अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ टिंडे गोश्त। तो टिंडे गोश्त बनाने के लिए मैंने लिया है ये 750 ग्राम मटन का गोश्त। ये मैंने धोकर साफ़ कर लिया है। और ये लिए हैं 750 ग्राम टिंडे। टिंडे आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं, आधा किलो, 750 ग्राम, जितने आप मतलब ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा डालें और कम पसंद करते हैं तो कम डालें टिंडे। और 1.5 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 छोटी कटोरी हरा धनिया कटा हुआ और 3 हरी मिर्च और 2 बड़े साइज़ की प्याज ली थी, जिसमें से मैंने आधा प्याज काट लिया है बारीक, जैसे हमने कोरमे के लिए काटा था घिया कस्से, एक सार सारी प्याज हमें ऐसे ही काटनी है। और 2 डेढ़ ये प्याज, ये मैंने अलग इसका मैं ग्राइंडर में पेस्ट बनाऊंगी। और ये 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। और ये 4 टेबल स्पून लिया है मैंने धनिया पाउडर, ये 1 टेबल स्पून इससे नाप कर हमने ये धनिया पाउडर लिया है, ये देखिए। और ये लिया है मैंने 3 टीस्पून दही, दही इसमें थोड़ा खट्टा लें। और ये लिया है 250 ml मस्टर्ड ऑयल और 3 बड़े साइज़ के टमाटर जो मैंने घिया कस्से में घिस लिए हैं। तो ये कुकर में मैंने मस्टर्ड ऑयल गरम कर लिया है, तेल हमें अच्छे से गरम करना है ताकि इसकी जली निकल जाए। अब मैं इसमें तेल में ये प्याज डाल दूँगी कटी हुई और इसको लाइट गोल्डन ब्राउन फ्राई करूँगी। प्याज हो गई है लाइट गोल्डन, हमें प्याज ज़्यादा डार्क नहीं करनी। अब मैं इसमें ये गोश्त डाल दूंगी, गैस मैंने स्लो कर दी है एकदम। थोड़ा सा इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ये डाल दूंगी। अब इसको हम 2 मिनट भूनेंगे। 2 मिनट हो गए, हमने इसको अच्छे से भून लिया। और इसमें मैं ये धनिया पाउडर डाल दूंगी, नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और ये प्याज की पेस्ट जो मैंने ग्राइंडर में पीस ली, प्याज अच्छे से इन्हें हम मिलाएंगे। और इसमें मैं ये टमाटर जो मैंने घिया कस्से में घिस लिए थे ये भी डाल दूंगी। अब हम इस गोश्त को अच्छे से भूनेंगे। तेज आंच कर लेनी है हमें और इसको गोश्त को अच्छे से भूनना है, लगातार चलाते रहेंगे इनको ताकि जले ना। ये गोश्त अच्छे से हमारा भून गया है, ये देखिए। अब इसमें मैं ये दही फेंट ली थी जो मैंने, ये डाल दूंगी और इसको गोश्त को भून लियो अच्छे से। एक बार हमें गोश्त को और भूनना है। इसमें एक बात का और ध्यान रखें, टमाटर जो लें आप वो एकदम लाल ना लें, थोड़े पीलेपन पे, हरेपन पे लें, या देसी टमाटर मिल जाए तो आप वो लें। इसमें देसी टमाटर बहुत अच्छे लगते हैं, थोड़े खट्टेपन पे होते हैं क्योंकि वो इसमें सालन में खट्टापन थोड़ा आएगा उससे। अब इसे हम अच्छे से भूनेंगे तेज गैस पर। ये हमने दही डाली थी, इसमें दही डालकर भी ये भून गया है गोश्त। अब इसमें मैं ये पानी डाल दूंगी। अब इसमें मैं ये लाकर अच्छे से पानी को, ये टिंडे मैंने छील कर काट लिए हैं, जो छोटे टिंडे थे ज़्यादा वो मैंने ऐसे ही छोटी छोड़ दिए, देखिए। और बड़े टिंडों में से मैंने ये पीस बना लिए हैं इतने, ये आप देखिए पीस ऐसे बना लें। ये टिंडे मैं इसमें डाल दूँगी। अब हम इसमें एक सीटी लगा लेंगे, एक सीटी में हमारा गोश्त भी गल जाएगा और टिंडे भी गल जाएंगे। मैंने इसमें टिंडे गोश्त में एक सीटी लगाई थी और इसे प्रेशर में ही छोड़ दिया था। ये देखिए गोश्त टिंडे गल चुके हैं ये, और शुरुआत भी इसका ठीक लग रहा है। शुरुआत आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। मैंने इसमें पानी डाला था 350 ml। अब मैं इसमें ये हरी मिर्च मैंने 2 कली बीच में से ये डाल दूंगी, गरम मसाला पाउडर और इसमें ये हरा धनिया डाल दूंगी।
तो ये अब हमारा टिंडे गोश्त तैयार है, अब हम इसे सर्व कर लेंगे। तो ये हमारा टिंडे गोश्त एकदम बनकर तैयार है। आप इसको रोटी के साथ और चावलों पर डालकर भी खा सकते हैं, चावलों पर भी ये बहुत टेस्टी लगता है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली रेसिपी के साथ फिर मिलती हूँ। अलविदा।